अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने से पहले अल्कीन्स आप स्टडी कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप, और अल्कीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी में पाई बॉन्डिंग है जो इन्वॉल्व होती है। सो पाई बॉन्ड इज़ इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड अल्कीन्स में जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शंस। मेन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर एडिशन रिएक्शंस। अब जो एडिशन रिएक्शंस आपने स्टडी करने हैं, एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, उनमें हाइड्रोजिनेशन आप स्टडी करेंगे। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एल्कीन। हाइड्रोहैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX टू एन एल्कीन। हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्कीन। हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन X2 टू एन एल्कीन। एपोक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एल्कीन। ओजोनोलिसिस, एडिशन ऑफ ओजोन टू एन एल्कीन। पोलीमराइजेशन इज़ द सेल्फ लिंकेज ऑफ अल्कीन मालिक्यूल्स बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। एंड हेलो हाइड्रेशन इज़ द एडिशन ऑफ हैलोजन मालिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड हेलो हाइड्रेशन। अब इसमें आप फर्स्ट रिएक्शन स्टडी करेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू एन अल्कीन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन के लिए कुछ कंडीशंस आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल निकल कैटलिस्ट, या फिर आप प्लैटिनम एंड पैलेडियम ऐसे कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंड करेगा कैटलिस्ट पे। इफ़ निकल इज़ यूज एज कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा अबाउट 200 टू 250 डिग्री सी। और इफ़ प्लैटिनम एंड पैलेडियम कैटलिस्ट आर यूज विच आर एफिशिएंट कैटलिस्ट, देन रिएक्शन आपके पास रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। हाई प्रेशर चाहिए फॉर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, 1 to 5 एटमॉस्फेरिक। एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग रिएक्शन, अल्कीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अल्केन्स। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हम लिख रहे हैं फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। ईथीन टू कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, एंड कार्बन की बाकी वैलेंसी कंप्लीट होगी विद हाइड्रोजन बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन मीन ऐड कर रहे हैं H2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। कंडीशन आपको चाहिए निकल कैटलिस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 200 टू 250 डिग्री सी, और इफ प्लैटिनम और पैलेडियम इज यूज्ड देन टेम्परेचर इज 25 डिग्री सी। ड्यूरिंग रिएक्शन एडिशन मीन ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड आपके पास ब्रेक हो जाएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू सिग्मा बॉन्ड। एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास न्यू एटम्स हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे टू कंप्लीट दी वैलेंसी एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। सो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है फर्स्ट कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है सेकेंड कार्बन के साथ। सो ये आपके पास टू न्यू हाइड्रोजन है जो ऐड हो जाएंगे बाय सिग्मा बॉन्ड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और आपके पास जो ईथीन है आफ्टर हाइड्रोजिनेशन इट इज़ कन्वर्टेड इंटू ईथेन, टू कार्बन अल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपीन, थ्री कार्बन अल्कीन इज कॉल्ड प्रोपीन, एंड अल्कीन्स हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजिनेशन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कंडीशंस आपके पास हैं निकल एट 200-250 एंड प्लैटिनम एंड पैलेडियम एट 25 डिग्री सी। ड्यूरिंग रिएक्शन वीक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड। सो रिएक्टिंग साइट है पाई बॉन्ड, सो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पे टू हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल। सो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 1 के साथ, एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन नंबर 2 के साथ, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट आई है ये आपके पास अल्केन, थ्री कार्बन प्रोप हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड विच आज रिप्रेजेंटेड बाय ANE। सो प्रोपीन इज कन्वर्टेड इंटू प्रोपेन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इंडस्ट्री में आपके पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन यूज़ होता है तो
टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. सो वेजिटेबल ऑयल आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट होगा वेजिटेबल घी में. इस केस में इंडस्ट्री में जो आपका इफेक्टिव एंड बेस्ट कैटलिस्ट है वो रेनी निकल होता है. व्हाट इज़ रेनी निकल? रेनी निकल एक्चुअली आपके पास जो है वो निकल एल्यूमिनियम एलॉयस से डिराइव्ड होता है, बनता है, एंड इट इज़ मोर पोरस. सो इसमें हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है. सो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इफिशेंसी बहुत ज़्यादा है टू एब्जॉर्ब हाइड्रोजन. अब जो केमिकल चेंज होता है, एक्चुअली जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो आपके पास होते हैं, दे कंटेन मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. दे कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड. ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन चेंज ये होता है कि इनके अंदर जो पाई बॉन्ड है, अनसेचुरेटेड मीन विच कंटेन पाई बॉन्ड्स, सो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सेचुरेटेड फैटी एसिड्स में. पाई बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड्स. सो वेजिटेबल घी कंटेन मोर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड वेजिटेबल ऑयल हैविंग अनसेचुरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, इनकी पाई बॉन्डिंग कन्वर्ट हो जाती है सिंगल बॉन्डिंग में. सो दे आर कन्वर्टेड इनटू सेचुरेटेड फैटी एसिड विच आर वेजिटेबल ऑयल्स. मेन पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर आप देखें तो हाइड्रोजनेशन इज एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक एडिशन. यानी आप कहते हैं जो अल्कीन्स के रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यूज नहीं हो रहा. यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है. सो इट इज एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक एडिशन. इसीलिए इस रिएक्शन को कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं. सो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपके पास ये है, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये आपके पास वन ऑफ द मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स. हाइड्रोजनेशन से अल्केन्स की प्रिपरेशन भी होती है.